चीफ मिनिस्टर किस बात में बिजी थे कि उनको जो है सिटीजनशिप एक्ट बनाना है, उनको पूरे देश के अंदर NRC लागू करना है। अरे मुद्दों पे आइए, रोटी पे आइए, रोजी पे आइए, शिक्षा पे आइए, इलाज पे आइए, ये हमारे प्रश्न हैं। इनकी बात क्यों नहीं करते हो? और कहा था कि हर परिवार में 15 लाख रुपए तो डालने वाले हैं हम, वो तो मिले नहीं किसी को। ये भी बोल दिया 100 दिन में महंगाई रुकेगी, लेकिन 150 रुपए की जो प्याज तक पहुंच गए। बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नए रोजगार पैदा करेंगे, तो 10 करोड़ रोजगार पैदा हो जाने चाहिए थे, लेकिन 10 करोड़ रोजगार पैदा नहीं हुए। जो मालिकों के संगठन है, एसोचैम ने ये न्यूज दिया, AIOI ने न्यूज दिया कि जब नोटबंदी हुआ तो 10 लाख छोटे उद्योग ठप हो गए, और 10 लाख छोटे उद्योग ठप होने से 5 करोड़ रोजगार चले गए। तो नया रोजगार नहीं आया, जिनके पास रोजगार था वो छिन गया। उस नोटबंदी के उस दौर से 5 करोड़ तक जो रोजगार गए हैं, उसके बाद मंदी और तेज हो गई। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, पैसा नहीं होगा तो खरीदारी नहीं करेंगे, खरीदारी नहीं होगी तो बाजार से मांग ही नहीं उठेगी, और मांग ही नहीं उठेगी तो फिर उद्योगीकरण के अंदर मंदी आएगी, क्योंकि मालिक सीधे सीधे कहता है मैं माल क्यों बनाऊं। आप तो जानते हैं कि टाटा को अपने शोरूम बंद करने पड़े, हुंडई को शोरूम अपने बंद करने पड़े, ऑटो इंडस्ट्री 35% नीचे आ गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 20% नीचे आ गई, IT सेक्टर नीचे की तरफ धंस रहा है, एक एक करके हर सेक्टर की बुरी हालत हो रही। और सरकार क्या दावा ठोकी, हम चुनावों के दौरान बोले कि हम 7.5% से ऊपर जाने वाले हैं GDP ग्रोथ, जब बताया कि आप झूठ बोल रहे हैं तो माने नहीं, लेकिन सरकार के दोबारा बनने के बाद वो सच्चाई सामने आई कि 7.5 नहीं 6.5% होगा, फिर सामने आए कि 5.5% होगा, फिर इनके इकोनॉमिक एडवाइजर सुब्रमण्यम ने खुद कहा, जो फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर है, कि इसमें से 1% माइनस करके रखो, 1.5% माइनस करके रखो। जो सरकार बिगड़ देती है, पिछली आज की सरकारें वो हमेशा बढ़ा के देती है, और उसके बाद क्या सच्चाई आई कि 4.5% हो गया, और इनकार करते रहे कि कोई मंदी है, रिसेशन है, GDP ग्रोथ नीचे को जा रही, इनकार करते रहे, और अभी 10 दिन पहले मान लिया, हाँ मंदी है, मान लिया ग्रोथ 4.5% है। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार जो ज्वाला ने रिटायर हुए, उनका है मेरे हिसाब से 0% ग्रोथ है, 4.5% छोड़िए, 3.5 छोड़िए, 3 छोड़िए, 0% ग्रोथ रेट है, ये उन्होंने बोला। इस सारी सिचुएशन में इकोनॉमी को हैंडल करने की जरूरत है, गांव गांव के अंदर जो इन्वेस्ट कर सकता हो उसकी मदद की जरूरत है, छोटे छोटे उद्योग, गृह उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्री को हेल्प करने की जरूरत है, लोगों की सेविंग्स के जरिए से उनको उनकी इकोनॉमी को सुधारने की जरूरत है, और उस सब के लिए निहायत जरूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर बैंकिंग सेक्टर, वो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे और उसकी मदद करते हुए उसका विस्तार करने की जरूरत है, लेकिन सरकार की नीतियां जस्ट इसके विरुद्ध है। ये लोग ये भी बोले थे कि एम्प्लॉयमेंट तो हम ठीक कर ही देंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो रही थी तो आंकड़ा आया कि 49 ईयर्स में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, सरकार इनकार कर दी, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है बोल दिया सरकार ने, लेकिन रियलिटी क्या निकली, जब कुर्सी के ऊपर बैठे सरकारी विभाग को डाटा दिखाना पड़ा देश को, तो उसके अंदर स्वीकार हो गया कि 49 ईयर्स में सबसे वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। तो सरकार के सामने जब उन्हीं के डाटा, स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के डाटा, 800 करोड़ की दुनिया की आबादी में 130 करोड़ तो अकेले हम हैं, तो अपने देश की बात करो ना,
अपने देश के अंदर जो सारी मुफलिसी है, मुश्किलें हैं, उस पे ध्यान दो। महिला पे जुल्म बढ़ रहा है, आदिवासी पे बढ़ रहा है, दलित पे बढ़ रहा है, माइनॉरिटीज डरी हुई है। अब तुम ट्रेड यूनियंस को डराना चाहते हो, क्यों डराना चाहते हो ट्रेड यूनियंस को? इसलिए डराना चाहते हो कि ये ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, मजबूत फोर्स है, चुनौती में हम खड़े हैं। हम किसी एक पार्टी विशेष के लिए नहीं खड़े, और मैं मजदूर वर्ग की तरफ से कहना चाहती हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी है। हमें इस बात से फर्क पड़ता है सरकार श्रमिकों और मजदूरों के हित में है कि उसके विरोध में है। जो सरकार मजदूर के विरोध में जाएगी, वो किसी की भी सरकार हो, हम डट करके लड़ेंगे। हम पहले भी लड़े थे और हम आज भी लड़ रहे हैं। इसलिए सरकारों ने जोर के ऊपर बाकी है, सरकार को मुसूलना नहीं चाहती है, लेकिन गरीब आदमी की चमड़ी उठेरने के लिए सरकार मुस्तैद है। वो इतना अभ्यास नहीं है, फिर भी पार्लियामेंट के अंदर कल होम मिनिस्टर किस बात में बिजी थे कि उनको जो है सिटीजनशिप एक्ट बनाना है, उनको पूरे देश के अंदर NRC लागू करना है। अरे मुद्दों पे आइए, रोटी पे आइए, रोजी पे आइए, शिक्षा पे आइए, इलाज पे आइए, ये हमारे प्रश्न हैं। इनकी बात क्यों नहीं करते हो? देश के अंदर सिटीजनशिप संविधान के तहत बहुत कुछ तय है, बहुत से कानून है। आप सारे देश की डिबेट को डिराइव क्यों कर रहे हो? ये चाहते हैं जो नॉन इश्यूज है उसमें जाया जाए, और ये चाहते हैं कि देश के अंदर एक तनाव का माहौल रहे, लोगों में अफरा तफरी और डिवीजन रहे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, सैकड़ों वर्षों पुरानी हमारी सभ्यता है, भाईचारे और एकता की सभ्यता है। हम उस सभ्यता की सुरक्षा करते हुए, अपने अपने धर्म का आदर सम्मान करते हुए, हर दूसरे धर्म के मानने वाले को इज्जत और सम्मान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसलिए सरकार के जो डिवीजन की पॉलिटिक्स है उससे सावधान रहे यूनियन, क्योंकि हमने देखा है जब जब ये डिवीजन की पॉलिटिक्स होती है, सबसे ज्यादा मजदूर पिसता है, किसान पिसता है, गरीब पिसता है, उसकी रोजी रोटी जाती है। कर्फ्यू में भी वही परेशान होता है, मरने वालों में भी उसी की गिनती होती है। एज यूनियन हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हम ऑर्गेनाइज फोर्स है, और इस ऑर्गेनाइज फोर्स को अपने संविधान के ऊपर नाज भी है, और अपने संविधान की रक्षा करने की केवल अधिकार नहीं है, जिम्मेदारी भी है। और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम अपने मांग पत्र को आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की समर्थन आपके साथ है, और भी आएंगे CTUs के साथ ही, वहाँ भी आएंगे और आपके बीच में भी आएंगे। अपनी एकजुटता जताएंगे। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।